हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कवि कर्तव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये निबंध जो है UPSGESC की जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अंतर्गत ये निबंध जो है वो दिया गया है। आज हम इसी के निबंध के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1864 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु 1938 ईस्वी को। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की है और अपने इन युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का जो दूसरा युग है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का जो संपादन है वो उन्होंने किया है। हिंदी नवजागरण में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी इनका उल्लेखनीय योगदान है। तो चलिए अब हम अपने असली कवि कर्तव्य, तो कवि कर्तव्य निबंध जो है द्विवेदी युग का, द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण निबंध है, एक विचारात्मक निबंध है। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो ये एक विचारात्मक निबंध है। कवि कर्तव्य नामक निबंध से भी द्विवेदी के कविता संबंधी जो है उनके विचारों का पता चलता है। उनका मत है कि गद्य और पद्य की जो भाषा है वो पृथक पृथक नहीं होनी चाहिए। साहित्य उस भाषा में रचा जाना चाहिए जिसे सभ्य समाज व्यवहार में लाता है। तो यानी उनके हिसाब से जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए। उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास को देखते हुए इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य ही ले लेगी। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। तो उन्होंने जो है ये बात बहुत पहले कर दी थी कि जो बोलचाल की हिंदी भाषा है वो ब्रजभाषा का स्थान ले लेगी, जो बाल की कविताओं में जो है हमें देखने को मिलता है। 1901 ईस्वी की सरस्वती में हिंदी द्विवेदी ने कवियों का जो है कर्तव्य निर्धारित करते हुए लिखा है। तो उन्होंने इसमें जो कवि कर्तव्य नाम से लिखा गया उनके रचना है, निबंध है, उसमें उन्होंने कवि के कर्तव्यों के बारे में लिखा है कि कवि के क्या कर्तव्य होना चाहिए। और इसमें उन्होंने लिखा है, आजकल हिंदी संक्रांति की अवस्था में है। हिंदी कवि का कर्तव्य यह है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी पुरानी कविता के साथ साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पे जो है इस कविता को जो मूल भाव है वो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए अब इस कविता को हम, इस निबंध को जो है कवि कर्तव्य, उसको हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। कवि कर्तव्य से हमारा अभिप्राय हिंदी के कवियों के कर्तव्य से है। समय और समाज की रुचि के अनुसार सब बातों का विचार करके हम यह लिखना चाहते हैं कि कवि का कर्तव्य क्या है। तो उन्होंने अपने इस निबंध में जो है कवि के कर्तव्यों के बारे में जो है मूल रूप से बताया है। अपने मनोगत विचारों को हमें थोड़े ही में लिखना है, अतः इस लेख में हम चार ही भागों में विभक्त करेंगे। तो यहाँ इस लेख में जो है उन्होंने चार भागों में इस लेख को जो है बांटा है, छंद, भाषा, अर्थ और विषय। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लेख जो है चार भागों में बांटा गया है, छंद, भाषा, अर्थ और विषय। इन्हीं की यथाक्रम हम समीक्षा आरंभ करते हैं। गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है, यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठता है कि जो कुछ छंदोबद्ध है सभी काव्य है। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे वह पद्य में हो, वही काव्य है। तो यहाँ वो कहते हैं कि ये मान लेना कि जो भी छंदबद्ध से है, छंद से युक्त है, वही काव्य है, ये कहना जो है अज्ञानता का परिचय है।
जबकि जहाँ भी गद्य, चाहे वह रचना गद्य में लिखी गई हो चाहे वो पद्य में हो, जहाँ हमें कविता का लक्षण मिले वहीं काव्य है। लक्षणहीन होने से कोई भी छंदोबद्ध लेख काव्य नहीं कहलाए जा सकते और लक्षण युक्त होने से सभी गद्यबंध काव्य कला में सम्मिलित किए जा सकते हैं। गद्य के विषय में कोई विशेष नियम निर्दिष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी पद्य के विषय में है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि गद्य के विषय में कोई इतनी नियम की आवश्यकता नहीं होती जितनी जो है पद्य के विषय में होती है, क्योंकि पद्य जो होता है मेन काव्य जो होता है वो होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा नियम की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यहाँ पर पद्य ही का विचार करेंगे। भाषा, अर्थ और विषय के संबंध में जो कुछ हम कहेंगे वह गद्य के संबंध में भी प्रायः समान भाव से प्रयुक्त हो सकेगा। जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती है, और छंद में जो कुछ कहा जाता है वह पद्य कहलाता है। तो यहाँ पे वर्णों और संख्याओं की जो मात्रा जो नियत होती है उसको छंद कहते हैं, और छंद में जो कुछ भी कहा जाता है वो पद्य कहलाता है। कोई कोई छंद और पद्य दोनों को एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं। जो सिद्ध कवि हैं वे चाहे जिस छंद का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही होता है, परंतु सामान्य कवियों को विषय के अनुकूल छंद योजना करनी चाहिए। जैसे समय विशेष में राग विशेष के गाए जाने से चित्त अधिक चमत्कृत होता है, वैसे ही वर्णन के अनुकूल वृत्त प्रयोग करने से कविता का आस्वादन करने वालों को अधिक आनंद मिलता है। तो कविता के लिए जो है वह छंद योजना करनी जरूरी होती है, उसी से जो है कविता का अनुकूल जो है वो आनंद मिलता है, वर्णन अनुकूल ही उसका आनंद मिलता है। गले में डाली हुई मेखला के समान वृति रूपणी हार लता को अनुचित स्थान में विनिवेशित करने से कवि की अज्ञानता दर्शित होती है। इस लेख में हम इस बात का विवेचन नहीं करना चाहते कि किस विषय के लिए कौन सा छंद प्रयोग में लाना चाहिए। तो यहाँ जो है वो कह रहे हैं कि जो हार है उसको किस स्थान पे रखना है, वो कवि अगर वो अनुचित स्थान पे होगा तो काव्य का आनंद नहीं आएगा, उसको जो है अपने उचित स्थान पे ही रहना चाहिए। तो यहाँ वो ये इस निबंध में जो है इस बात का वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि कौन सा जो छंद है वो कहाँ प्रयोग में लाना चाहिए। काव्य के मर्मज्ञ निपुण कवि स्वयं जानते हैं कि कौन सा छंद कहाँ विशेष शोभा वर्धक होगा, अर्थात कवियों को ये स्वयं ही ज्ञात होता है कि कौन सा छंद जो है वो कहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। प्राचीन संस्कृत कवि इसका पूरा पूरा विचार रखते थे। उन्होंने ऋतुओं का वर्णन प्रायः उपजाति छंद में किया है, नीति का वशिष्ठ में किया है, चंद्रोदय आदि का रथोत्तता में किया है, वर्षा और प्रवास का मदाक्रांता में किया है, और स्तुति यश शौर्य आदि का शार्दूल विकृति और शिखरणी में किया है। तो प्राचीन कवियों को जो है छंद शास्त्र का जो है बहुत अच्छे से उनको ज्ञान था, हर एक चीज़ का वर्णन उन्होंने हर एक तरीके से उन्होंने किया है, उनको ये भली भांति ज्ञात था कि किस छंद का प्रयोग कहाँ करना है। यही नहीं किंतु वृत्त रचना में छंद शास्त्र के नियमों के अतिरिक्त वे लोग और विषयों का भी ज्ञान रखते थे। तो उन्होंने उन्हें जो है अलग अलग विषयों का उचित ज्ञान, दोधक वृत्त का लक्षण, तीन भगण और दो गुरु हैं, इस नियम का प्रतिपालन करते हुए वे तीन ही तीन अक्षर वाले शब्द प्रयोग करते थे, जिससे छंद की शोभा विशेष बढ़ जाती थी। तोटक में वे रूखे अक्षर वाले ही शब्द रखते थे, क्योंकि ऐसा अक्षर वाले शब्दों से संगठित हुआ तोटक ताल की द्रुत गति के समान मन को सविशेष आनंदित करता है। हिंदी के कवियों को भी इन बातों का विचार जरूर करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जो पहले के जो कवि थे उस टाइम के
उनको भली भांति, प्राचीन कवियों को जो है भली भांति छंद का ज्ञान था कि किस छंद का प्रयोग कब करना है, परंतु आज के जो कवि हैं उनको इन बातों की जो है जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें इन बातों का विचार जो है वो जरूर करना चाहिए। दोहा, चौपाई, सौठा, धनाक्षरी, छप्पई और सवैया आदि का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और छंद भी लिखा करें। हम यह नहीं कहते कि ये छंद नितांत परित्यक्त ही कर दिया जाए। हमारा अभिप्राय यह है कि इनके साथ साथ संस्कृत काव्यों में प्रयोग किए जाने वाले वृत्तों में से दो चार उत्तमोत्तम वृत्तों का भी विचार हिंदी में किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि जो बाकी ये छंद है वो सारे प्रयोग में ला चुके हैं, अब जो है कवियों को चाहिए कि वो जो नए संस्कृत के काव्य में जो वृत्त का प्रयोग होता है उनको हिंदी के काव्य में प्रयोग किया जाए। इन वृत्तों में से द्रुत, विलंबित, वंशस्थ और बसंत तिलका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनका प्रचार हिंदी में होने से हिंदी काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी। किसी किसी ने इन वृत्तों का प्रयोग आरंभ भी कर दिया है। यह सूचना उन्हीं लोगों के लिए है जो सब प्रकार के छंद लिखने में समर्थ है, जो धनाक्षरी और दोहे अथवा चौपाई की सीमा उल्लंघन करने में असमर्थ है, उनके लिए नहीं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जो सूचनाएं हैं जो छंद को लेके कि नया छंद वृत्त जो है वो प्रयोग में लाना चाहिए, वो उनके लिए हैं जो इनका ज्ञान जो जिनको इनका ज्ञान है, जो इनकी समझ जो है वो रखते हैं। बाकी जो सिर्फ धनाक्षरी और दोहे ये सब लिख सकते हैं उनके लिए ये बात नहीं है। आजकल के बोलचाल की हिंदी की कविता उर्दू के विशेष प्रकार के छंदों से अधिक खुलती है, अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छंद प्रयोग होने चाहिए। कुछ कुछ कवियों को एक ही प्रकार का छंद सध जाता है, उसे ही वे अच्छा लिख सकते हैं। उनको दूसरे प्रकार के छंद लिखने का प्रयत्न भी न करना चाहिए। यदि कविता सरस और मनोहारी है तो चाहे वह एक ही अथवा बुरे से बुरे छंद में क्यों ना हो, उसमें आनंद अवश्य मिलता है। तुलसीदास ने चौपाई और बिहारी लाल ने दोहा लिखकर इतनी कीर्ति संपादन की है। तो वहाँ ये कह रहे हैं कि जिसको भी जिस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो, अगर वो उसी विषय में महारत है तो उसी विषय को वो लेके चले, नया चीज ना देखे, उसी चीज में वो संपादन कर सकता है। जैसे कि तुलसीदास ने जो है चौपाइयाँ लिखी और बिहारी लाल ने दोहा लिख के जो है अपनी कीर्ति स्थापित की है। प्राचीन कवियों को भी किसी किसी वृत्त से समधिक स्नेह था, वे अपने आदत वृत्त ही को अधिक काम में लाते थे और उसमें उनकी कविता खुलती भी अधिक थी। भारवी का वंशस्थ, रत्नाकर की वसंत तिलका, भवभूति और जगन्नाथ की शिखरिणी, कालिदास की मंदाक्रांता और राजशेखर का शार्दूल विकृति इसी विषय के जो है वो प्रमाण हैं। पादांत में अनुप्रासहीन छंद भी हिंदी में लिखे जाने चाहिए। तो इस प्रकार के छंद जब संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला में विद्यमान हैं, तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे ना लिखे जाएं। संस्कृत ही हिंदी की माता है। संस्कृत का सारा कविता साहित्य इस तुकबंदी के बखेड़े में से बहिर्गत सा है। अतः इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुकरण करें तो सफलता की पूरी पूरी आशा है। तो ये कहते हैं कि जो अनुप्रासहीन छंद है वो लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला सभी भाषाओं में इसका प्रयोग हुआ है। अनुप्रास युक्त पदांत सुनते सुनते हमारे कान उस प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गए हैं, इसलिए अनुप्रासहीन रचना अच्छा नहीं लगता। बिना तुक वाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह भी अच्छी लगने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुप्रास और यमक आदि शब्द आडंबर कविता के आधार नहीं, जो उनके ना होने से कविता निर्जीव हो जाए या उससे कोई अपरिमेय हानि पहुँचे।
तो वो कहती है कि अनुप्रासहीन जो है कविता लिखने और सुनने में कोई संदेह नहीं है, उनको सुना जा सकता है। कविता का अच्छा और बुरा होना विशेषतः अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अविलंबित है, परंतु अनुप्रासों के ढूंढने का प्रयास उठाने में समुचित शब्द न मिलने से अर्थांश की जो हानि हो जाया करती है, इससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है। अनुप्रासों का विचार ना करने से कविता लिखने में सुगमता भी होती है और अभिलषित अर्थ व्यक्त करने में कठिनाई भी नहीं पड़ती। अतः पदांत में अनुप्रासहीन छंद हिंदी में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है। संस्कृत में प्रयोग किए शिखरनी वंशत और वसंतलिका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनमें अनुप्रास का न होना काव्य रसिकों को बहुत ही पहल इन वृत्तियों का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होता देख प्राचीनता के पक्षपाती बिगड़ खड़े होते हैं और नई चाल के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टाएं और दोषो भावनाएं करने लगते हैं। यह स्वाभाविक बात है, परंतु यदि इस प्रकार की टीकाओं से लोग डरते तो संसार से नवीनता का लोप ही हो जाता। हमारा यह मतलब नहीं कि पदांत में अनुप्रास वाले छंद लिखे ही ना जाया करें। हमारा कथन इतना ही है कि इस प्रकार के छंदों के साथ अनुप्रासहीन छंद भी लिखे जाए, बस। तो उनका कहना यही है कि जो अनुप्रासहीन छंद होते हैं वो भी लिखे जाए, अनुप्रास वाले छंद भी लिखे जाए। दोनों की जो है अपनी महत्ता है, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए। तो दूसरा है भाषा। कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज से समझ ले और अर्थ को हृदयगम कर सके। पद पढ़ते ही उसका अर्थ बुद्धिस्थ हो जाने से विशेष आनंद प्राप्त होता है और पढ़ने में भी जी लगता है। परंतु जिस काव्य का भावार्थ कठिनता से समझ में आता हो, उसमें आकलन में जी नहीं लगता और बराबर अर्थ का विचार करते करते उसमें विरक्ति हो जाती है। तो जिस कविता का हमें अर्थ ही ना समझ में आता हो, उस कविता को जो है पढ़ना नहीं अच्छा लगता। जो कुछ लिखा जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है कि लेखक का हृदयगत भाव दूसरे समझ जाएं। तो लिखने का आशय यही है, कवि के लिखने का आशय यही है कि जो वो लिखता है वो दूसरे जो है उसके पाठकगण जो है उसके भावनाओं को समझ सके। यदि इस उद्देश्य ही की सफलता ना हुई तो लिखना ही व्यर्थ हुआ। अतः क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार वांछनीय है। कालिदास, भवभूति और तुलसीदास के काव्य सरलता के आकार है। परम विद्वान होकर भी उन्होंने सरलता ही को विशेष मान दिया है, इसलिए उनके काव्यों का इतना आदर है। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत कम लोकमान्य होता है। कवियों को इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना ना ही करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। व्याकरण का विचार ना करना कवि की तद्विषयक अज्ञानता का सूचक है। कोई कोई कवि व्याकरण के नियमों की ओर हकपात तक नहीं करते, यह बड़े खेद और लज्जा की बात है। ब्रजभाषा की कविता में कवि जन मनमानी निरंकुशता दिखलाते हैं, यह उचित नहीं। जहाँ तक संभव हो शब्दों के मूल रूप न बिगाड़ना चाहिए। मुहावरे का भी विचार रखना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती। क्रोध क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान को अतिशय पीड़ा पहुँचाते हैं। मुहावरे ही भाषा का प्राण है। उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। तो उन्होंने भाषा में मुहावरों का प्रयोग जरूरी समझा है। उसकी भाषा कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। विषय के अनुकूल शब्द स्थापना करनी चाहिए। कविता एक अपूर्व रसायन है। उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई आवश्यक होती है। रसायन सिद्ध करने में आँच के न्यूनाधिक होने से जैसे रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग ना करने से काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर
यहाँ वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर आज कम या ज़्यादा होने से जो रस है वो बिगड़ जाता है, उसी प्रकार अगर शब्दों की अधिकता या बाहुलता हो तो उसे काव्य का रस जो है वो भी बिगड़ जाता है। किसी किसी स्थल विशेष पर रुक्षाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते हैं, परंतु सर्वत्र ललित और मधुर शब्दों का प्रयोग करना उचित है। शब्द चुनने में अक्षर मैत्री का विशेष विचार करना चाहिए। अच्छे अर्थ का द्योतक न होकर भी कोई कोई पद्य केवल अपनी मधुरता ही से पढ़ने वालों के अंतःकरण को द्रवीभूत कर देता है। टूटत आओ बैठे तरु आई इत्यादि वाक्य लिखना हिंदी की कविता को कलंकित करना है। शब्दों को यथास्थान रखना चाहिए। शब्द स्थापना ठीक न होने से कविता की जो दुर्दशा होती है और अर्थांश में से जो क्लिष्टता आ जाती है, उसके उदाहरण हिंदी कालिदास की समालोचना में दिए जा चुके हैं। गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक न होनी चाहिए। हिंदी की ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है। सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। गद्य का प्रचार हिंदी में थोड़े दिनों से हुआ है, पहले गद्य प्रायः ना था, हमारा साहित्य केवल पद्यात्मक था। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि गद्य और पद्य की जो भाषा है वो एक ही प्रकार से होनी चाहिए, एक ही भाषा का जो है वो प्रयोग होना चाहिए। पहले साहित्य में जो है गद्य का स्थान नहीं था, केवल वहाँ पे पद्य का ही स्थान था। गद्य साहित्य की उत्पत्ति के पहले पद्य में ब्रजभाषा ही का सार्वदेशिक प्रयोग होता था। अब कुछ अंतर होने लगा है। गद्य की इस समय उन्नति ही रही है, अतः अब यह संभव नहीं कि गद्य की भाषा का प्रभाव पद्य पर ही ना पड़े। जो प्रबल होता है वह निर्बल को अवश्य अपने वशीभूत कर लेता है। तो गद्य जो है इतना रोचक बन गया है कि उसने जो है पद्य की जगह ली है, तो इसलिए आवश्यक है कि पद्य पर इसका प्रभाव जो है देखने को मिल रहा है, इसलिए जो पद्य में गद्य की भाषा है वो प्रयोग होनी चाहिए। यह बात भाषा के संबंध में भी तद्वत पाई जाती है। 50 वर्ष पहले के कवियों की भाषा इस समय की कवियों की भाषा से मिलाकर देखिए, देखने से तत्काल विदित हो जाएगा कि आधुनिक कवियों पर बोलचाल की हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव डालना जो है वो आरंभ कर दिया है। तो आजकल के जो आधुनिक कवि हैं वो आम बोलचाल की भाषा जो है वो प्रयोग में लाते हैं अपने काव्य की भाषाओं में, चाहे गद्य हो चाहे वो पद्य हो। उनकी लिखी ब्रज भाषा की कविता में बोलचाल खड़ी बोली के जितने शब्द और मुहावरे मिलेंगे उतने 50 वर्ष पहले के कवियों की कविताओं में कदापि न मिलेंगे। तो जिस समय ये कविता लिखी गई थी, ये उन्होंने निबंध लिखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उस समय जो भाषा थी वो खड़ी बोली की थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे खड़ी बोली भाषा का प्रयोग लिखा है। यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रज भाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी, इसलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम क्रम से गद्य की भाषा में भी कविता करना आरंभ करें। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा है कि जो बोलने की भाषा हो और कविता की भाषा हो दोनों एक ही होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। जो लोग हिंदी बोलते और हिंदी ही के गद्य साहित्य की सेवा करते हैं उनके पद्य में ब्रज की भाषा का आधिपत्य बहुत दिन तक नहीं रह सकता। अब तीसरा है अर्थ। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। जिस पद्य को अर्थ में चमत्कार नहीं वह कविता ही नहीं। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसकी तादम्य हो जाना चाहिए। ऐसा ना होने से अर्थ और सौरस्य नहीं आ सकता। विलाप वर्णन करने में कवि के मन में यह भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है और वर्णित दुख का स्वयं अनुभव कर रहा है।
प्राकृतिक का वर्णन लिखने के समय उसके अंतःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वर्णमान नदी पर्वत अथवा वन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा देख रहा है। जब कवि की आत्मा का वर्ण विषय में इस प्रकार निकट संबंध हो जाता है तभी उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ होता है और तभी उसकी कविता पढ़कर पढ़ने वालों के हृदय पर भावनाएं जो है तद्दत भावनाएं उत्पन्न होती है। तो कविता करने का उनका अर्थ यही है, यहाँ वह यही कह रहे हैं कि कविता करते समय जो उन कवियों की भावनाएं होनी चाहिए ऐसा लगे कि वो स्वयं उस चीज़ को अनुभव करें और उस अनुभव के आधार पर वो अपनी कविताएं लिखे। कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् करने का प्रयत्न न करना चाहिए। विषय वर्णन के झोंके में जो कुछ मुँह से निकले उसे ही रहने देना चाहिए। बलात् किसी अर्थ के लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृति भाव में जो कुछ आ जाए उसे ही पद्यबद्ध कर देना अधिक सरस और आह्लादकारक होता है। अपने मनोनीत अर्थ को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि पद्य पढ़ते ही पढ़ने वाले उस तदक्षण हृदयंगम कर सके, क्लिष्ट कल्पना अथवा सोच विचार करने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सामान्य रीति से सब एक ही अर्थ के व्यंजक हैं, परंतु विशेष ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों को गर्भित करना प्रकट होता है। तन्वी शब्द का सामान्य अर्थ स्थल विशेष में स्त्री होता है, परंतु तनु शब्द का अर्थ कृष होने के कारण तन्वी का विशेष अर्थ दुर्बल है। यदि यह कहे कि यह तन्वी अपने पति के साथ सुख से अपने घर में रहती है तो यहाँ तन्वी शब्द उस अर्थ का व्यंजक नहीं हो सकता जो अर्थ रामा इत्यादि शब्दों का होता है। तो यहाँ वह यही कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो भी समझ में आना चाहिए संभव हो चुके तो शक्तिमान शब्दों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। धनाक्षरी और सविया आदि लिखने वाले कुछ व्यक्तियों की कविता में कभी कभी अनेक अर्थ जो है वो निरर्थक शब्द आ जाते हैं। कभी कभी शब्दों के ऐसे विकृत रूप प्रयुक्त हो जाते हैं कि उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता। तो शब्दों में जो है ऐसे अर्थ होने चाहिए जो प्रतिकूल होने चाहिए, जिनका कोई अर्थ जो है उसमें निकलना चाहिए। अर्थहीन अथवा अनुपयोगी शब्द ना लिखे जाने चाहिए और ना शब्दों के प्राकृतिक रूप को ही बिगाड़ना चाहिए। शब्दों के बिगाड़ने से उनके बिगड़े हुए रूप पढ़ने वालों के कान में खटकते हैं। जिस अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं उस अर्थ को कभी कभी वे पोषकता भी नहीं करते। अश्लीलता और ग्राम्यता गर्भित अर्थों से कविता को कभी दूषित नहीं करना चाहिए और न देश काल लोक आदि के विरुद्ध कोई बात करना चाहिए। कविता जो है वो सरस बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कविता की भाषा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो लोग की जो विषय है वो उसको आनंदित हो सके, उनको पढ़ सके। अब बात करते हैं कविता के विषय की। कविता का जो विषय होना चाहिए वो मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकिया पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकियाए के गतातद की पहेली बुझाने की। चींटी से हाथी तक पर्यंत, पशु भिक्षक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश, पृथ्वी आदि सभी पर तो कविता हो चुकी है, सभी से उपदेश मिल चुका है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कविताएं भी उनके विषय जो है वो देख के करना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में ना करें। अच्छे काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस और नायिका निरूपण जो है वो बहुत हो चुका। इस समय जो कवियों का एक कवि समाज और मंडलों से बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यक्त जो व्यग्र होना चाहिए। तो वो यहाँ कहते हैं कि कविता जो है कवि को यदि बड़ी ना हो सके तो छोटी स्वतंत्र कविताएं जो है करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का जो है हिंदी में अभाव है।
संस्कृत और अंग्रेजी काव्य का अनुवाद हिंदी में करने की ओर भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है, परंतु स्वतंत्र कविता करने की अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद करना बड़ा कठिन काम है। तो यह एक भाषा की कविता का दूसरी भाषा में अनुवाद करने वालों को यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि बुरा अनुवाद करेंगे तो जो मूल कवि है उनका अपमान होगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अनुवाद करने में भी जो है उनको देखना चाहिए कि वो किस प्रकार के ग्रंथों की अनुवाद करने हैं। काव्य के गुण और दोषों की विवेचना संस्कृत की जिन पुस्तकों में है उनमें कवि के कर्तव्य और अकर्तव्य पर बहुत कुछ कहा गया है। तो यहाँ केवल परंतु इन सब बातों पर हम यहाँ विचार नहीं कर सकते। संसार में ईश्वरीय देवताओं का अवतार कई प्रकार और कई कामों के लिए होता है। अलौकिक कार्य करने वालों के लिए प्रतिभाशाली मनुष्य को अवतार है, स्वाभाविक कवि भी एक प्रकार के अवतार है। इस पर कदाचित कोई प्रश्न करे कि अकेले कवि ही क्यों अवतार माने गए और लेखक इस पद पर क्यों ना बिठाए गए। लेखक का समावेश कवि में है, पर कवियों में कुछ ऐसी शक्ति है जिसके कारण उसका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है। अब मुख्य प्रश्न ये है कि कवि को जो है अवतार ही क्यों है। तो यहाँ वो कवियों को जो है अवतार जो है वो मानते हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो कवि है उसमें ज्ञान का जो अपार भंडार रहता है, उन्होंने जो है हरिश्चंद्र जैसे कि ज्ञान के पंथ पे जो सूरदास, कबीरदास और लल्लू लाल ने किया है, लेकिन जो हरिश्चंद्र ने है सूरदास, स्वदेश भक्ति और सत्य प्रेम का धर्म चलाया है। तो ये जो है किसी न किसी रूप में लोगों के उपदेशक थे। तो काव्य के गुण और दोषों की विवेचना संस्कृत की जिन पुस्तकों में है, तो काव्य के गुण और दोषों की विवेचना जो संस्कृत के पुस्तकों में है उनमें कवि के कर्तव्य और अकर्तव्य पर। तो हिंदी के जितने कवि प्रसिद्ध है उनमें देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही जो है उन्होंने कविता की है। दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के कवियों का नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों ने समय समय पर अपने कर्तव्य को समझा है और उसका पालन किया है। तो हिंदी के कवियों ने जो है इन चीजों का यहाँ पे प्रयोग किया है। सारांश यही है कि कवियों को ऐसा काम करना है कि वे स्वभाव ही से ऐसा करते हैं कि संसार का कल्याण हो और इस प्रकार उनका नाम आप ही आप अमर हो जाए। कवियों की तारीफ करते हुए कह रहे हिंदी के कवियों ने जो है ऐसी भाषा ऐसी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो है आम बोलचाल की भाषा जो है अपनी कविताओं में करनी जो है शुरू कर दी है। तो सारांश यह है कि कविता लिखते समय कवि के सामने एक ऊंचा उद्देश्य अवश्य रहना चाहिए। केवल कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है। हिंदी में कविता संबंधी इस प्रकार के लेख पढ़कर बाहर के लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि कदाचित हिंदी के लिए कवि अपना कर्तव्य जो है वह नहीं जानते, नहीं तो उनके लिए ऐसा लेख ना लिखा जाता। तो इस संबंध में वो एक बात भी बताते हैं कि एक बार छत्तीसगढ़ मित्र में हिंदी व्याकरण के विषय पर एक लेख छपा था। तो उस पर ही एक मित्र ने, बंबई के संपादक ने पूछा कि हिंदी में भी व्याकरण नहीं है। इस पर सुनने पर संपादक ने उनको यह उत्तर दिया कि और भाषाओं के समान हिंदी में कोई व्याकरण है, परंतु इस विषय का निरूपण विदेशियों ने किया है। हिंदुस्तानी लोग ना उसे खोज सके और ना खोज पाने की ओर ध्यान देते हैं। कवि की कल्पना शक्ति तीव्र होती है। इस कल्पना शक्ति के द्वारा कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है कि वे समझ आसानी से जो है वो समझ सके। इस शक्ति से वह अनजाने हुए पदार्थों का या दृश्यों का चित्र इतना मनोहर खींचता है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला एकाग्र हो जाते हैं। कविता लिखते समय जो जो भाव कवि के हृदय में उदित होते हैं वही भाव जो है पढ़ने वाले के हृदय में उत्पन्न हो सके। इसलिए पढ़ने वाला हृदय जो है सहृदय होना चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजने लगेगी। यदि स्वतः कवि में हृदय सहृदयता ना हो तो फिर उसका श्रम ही वृथा है। आगे वह कहते हैं कि जो हिंदी है वह संक्रांति की अवस्था में, हिंदी के कवि का जो कर्तव्य है वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविताओं की जो है वो रचना कर रहे हैं नई, ताकि जो पढ़ने वालों के मन में है वो नए अनुराग, नई कविता का अनुराग उत्पन्न हो जाए।
नए नए पढ़ने वालों के मन में नई नई उपमाओं को, नए नए शब्दों को और नए विचारों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना ही कवि का कर्तव्य है। तो यहाँ ये लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है कि कवि का कर्तव्य क्या है, तो यहाँ वो बताया गया है। जब लोगों का झुकाव इस ओर होने लगे तब समय समय पर कल्पित अथवा सत्यित आख्यानों, जब जो विषय उसके अवलोकन को आवे उस पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से कविता लिखकर लोगों को परोक्ष से सचेत करे। कविता के प्रभाव का एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। पद्माकर कवि के घराने में लोगों में विवाह के समय कविता पढ़ने की चाल है। उनकी जाति के लोग कहते हैं कि यह चाल पद्माकर के समय से चली है और अभी चली आती है। क्या यह बात जो है आजकल के कवियों में नहीं हो सकती। अब के कवि खद्योत समझते करी प्रकाश, जिसने यह दोहा लिखा उसको बड़ी दूर की सूझी है। बोलचाल की भाषा में आज तक ऐसी कोई कविता नहीं बनी जिसका प्रचार चंद्रकांता के समान साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी हुआ हो। तो यहाँ वह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चंद्रकांता उपन्यास था उस प्रकार से किसी भी कोई भी ऐसी कविता नहीं बनी है जैसी चंद्रकांता में। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कविता की जो भाषा है वो भी इस प्रकार से हो कि जिस प्रकार चंद्रकांता पढ़ने के लिए लोगों में उपन्यास के प्रति जो है वो रुचि बढ़ी, लोगों ने इसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी, उसी प्रकार जो है कविता हो, कविता की भाषा हो कि साधारण लोग भी इसको पढ़ना और समझना सीख जाए। आजकल की संस्कृत भरी कविता का रचा जाना और अधिक हानिकारक है। तो बोल साधारण भाषा होनी चाहिए बोलचाल की। सारांश यही है कि आजकल की कविताओं में शास्त्रों गुण को छोड़कर नीचे लिखे हुए गुणों को संभावना वह लोकप्रिय होगी। तो यहाँ जो है मुख्य रूप से ये बातें जो है महत्वपूर्ण है। कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो, उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया आदि गुणों का उदाहरण रहे, कल्पना सूक्ष्म और उन्मादित अलंकार गूढ़ ना हो, भाषा सहज स्वाभाविक और मनोहर हो, छंद सीधा, परिचित मुहावरा और वर्णन के अनुकूल हो। यहाँ उन्होंने ये सारे जो है कवि कर्तव्य के बारे में ये पॉइंट्स दिए हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कवि कर्तव्य जो निबंध है वो समाप्त हो जाता है। इसमें पूरा उन्होंने कवि कर्तव्यों के बारे में बताया है और मूलतः उनका जो है यही निष्कर्ष निकलता है कि कवि की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो साधारण से साधारण लोग उसको समझ सके और उनकी इन कवि के प्रति, इन कविताओं के प्रति जो है उनकी रुचि भी बढ़ सके। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।